अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल सैफ सरागोट अड्डे पे। यहाँ से कराची से कोयटा के लिए जो है वो बसेस जाती हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल सैफ के स्लीपर बस में, ठीक है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो क्या शानदार सोफ़ा सीट लगी हुई है। तो पिछली वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई स्लीपर बस के हवाले से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि कौन कौन सी रूट पर चल रही हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, क्या उस किराया रखा हुआ है और क्या टाइमिंग है और क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम जानेंगे अल सैफ की सर्विस के बारे में और देखेंगे कि इनकी सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या टाइमिंग है और ये सारी चीज़ें आज डिटेल में देखेंगे। तो ये जनाब देखें, इसका ये इंटीरियर है, बड़ा ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये आप देख सकते हो कितने शानदार इसके जो है वो इंटीरियर है। और इनकी मैं आपको सीट भी दिखाता हूँ, फुल सोफ़ा सीट है, ठीक है। और ये सोफ़ा सीट जो है ये बाकायदा पूरी आप इसमें लेट सकते हो, एलईडी भी लगी हुई है इसके अंदर। और ये एक हेडफोन दिया हुआ है, ये हेडफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक लाइट दी हुई है, इसके अलावा एसी बिल्कुल सर पे है, बेहतरीन लाइट है। ये इसका इंटीरियर देखें, क्या शानदार इंटीरियर है इसका। चलो मैं आपको नीचे बैठ के भी दिखाता हूँ कि कितनी कंफर्टेबल है और किस तरह की है। तो ये आप देख सकते हो ये सीट है इसकी, ठीक है। और ये देखें जनाब, ये मैं इतने आराम से इसमें लेट गया हूँ और ये सीट को मैं चाहूँ तो सीधा भी कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हो ये पूरा पैर जो है मेरा वो एंड तक जा रहा है, माशाल्लाह से 6 फीट मेरी हाइट है और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये लेटा हुआ हूँ। इस सीट को चाहूँ तो मैं और भी पीछे कर सकता हूँ, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से सब यानी केबिन बना हुआ है और केबिन जो है वो अगर देखा जाए तो पर्दा लगा हुआ है। आप इसमें कर्टन जो है ये देखें, ये कर्टन है, ये कर्टन आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। और सर के पास ही एक लाइट दी हुई है, ये एसी लगा हुआ है बिल्कुल मुंह पे, आप चाहें तो उसको चलाएं, आप चाहें तो उसको बंद कर दें। ये इसका रिमोट है, ये स्पीकर है, ये लाइट है, ये चार्जिंग के लिए और ये बेल के लिए, जब आप बेल इसको दबाएंगे तो वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। इसी तरह इसमें अगर देखा जाए तो एक कप होल्डर है और इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखने के लिए, ग्लास रखने के लिए बहुत बेहतरीन सी जगह बनाई हुई है, ठीक है जी। और ये बहुत प्यारी यानी कि इसकी सर्विस है। अच्छा, और अमूमन जो बसें हैं वो होती हैं 2x1, लेकिन देखें ये है 1x1, ये 1 सीट इसकी इधर लगी हुई है और 1 इधर लगी हुई है। इसी तरीके से जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे भी इसी तरीके से 1 इधर है और 1 इधर है, यानी कि यानी ऊपर और नीचे की अगर आप सीटें देखें तो टोटल 24 सीटें हैं, 6 सीटें ऊपर हैं, 6 उसके नीचे हैं, 12 एक साइड हैं और 12 एक साइड हैं। बड़े शानदार इस पर कुशन भी रखा हुआ है, बेहतरीन सा कुशन है। ये सीट पूरी सीधी हो जाती है और ये एलईडी भी दी हुई है। अच्छा, टाइमिंग के हवाले से बात की जाए तो देखें इस पर जो टाइमिंग है वो शाम 7 बजे जो है ये स्लीपर बस चलती है। वैसे तो इनकी हर घंटे की सर्विस है, हर घंटे यानी कि सुबह भी इसी तरीके से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 12:30 बजे, इसी तरीके से शाम में है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10:30 बजे इनकी टाइमिंग है जो कराची से गाड़ी निकलती हैं। फिर वो कराची से जो गाड़ी निकलती हैं वो आपके 12 घंटे से 11 घंटे के अंदर, यानी कि ये समझ लें कि सुबह 7 बजे, 6 बजे जो 7 बजे गाड़ी निकलेगी शाम में, वो सुबह 7 बजे गाड़ी जो है वो बासानी वहाँ कोयटा पहुँच जाती है। एक अड्डा इनका सरयाब रोड पर है और दूसरा जो है वो जो सबसे मेन अड्डा है इनका वो जबल नूर पर है। अगर कराची से देखा जाए तो एक अड्डा इनका जो है वो सदर में है, ठीक है। दूसरा जो है वो पुरानी सब्जी मंडी सिविक सेंटर वहाँ पे भी है। तीसरा ये सोराबगोट पे। चौथा फिर अगर जो लोगों को आसानी लगती हो जो किमाड़ी साइड पर हों या उस साइड हैं तो उनके लिए फिर वो महाजिर कैंप वाला अड्डा है जिसमें यानी कि बासानी आपको ये सर्विस मिलेगी। अच्छा, स्लीपर इनकी एक ही टाइम चल रही है, ठीक है। इस स्लीपर बस में ये है कि इनका एक टाइम का खाना मिलेगा आपको, यानी कि जैसे रात में निकलेगी तो 12:30-12 बजे जो है वो आपको ये डिनर देंगे। उसके अलावा पानी और कोल्ड ड्रिंक ये आपकी आपको कोई मसला नहीं है। एनसी इनका बड़ा जानदार होता है, कुशन के साथ साथ यहाँ पे कि इन्होंने ब्लैंकेट भी दिए होता है, वो ब्लैंकेट भी रख देते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है इन गाड़ियों में। तो किराए की बात की जाए तो किराया इसमें बहुत ही मुनासिब और बहुत ही मुनासिब पैसा है। टोटल 24 सीटें होती हैं जो बासानी आप अपना आराम से लेट के जाएँ, बहुत ही आरामदेह सफ़र होता है। मेरी पिछली वीडियोस में ही मैंने आपको बताया है कि पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं, पिछली वीडियोस में जो है वो स्लीपर बस के अलावा मैंने रिव्यू दिया हुआ है
और पूरा क्वेटा तक गया हूँ। दो तीन वीडियोस उस पर मैंने डाली हुई हैं, वो आप देख सकते हो। इस पर भी बहुत जल्द इंशाल्लाह सफ़र करेंगे और क्वेटा तक की सफ़र की पूरी वीडियोस बनाएंगे, ताकि वो भी आपको पता चले कि किस तरीके से सर्विस है और क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और हाँ, एक बात और बताता चलूँ कि स्लीपर बस के हवाले से जो बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे कि भाई स्लीपर बस के हवाले से आप हमें बताएं कि इस वक्त कौन कौन से रूट पे, कौन कौन सी कंपनीज कहाँ कहाँ लेके जा रही हैं और क्या सारी डिटेल्स, उनकी रिव्यू वगैरह बताएं। तो स्लीपर बस जो है, ये पूरे महीने इस वक्त मेरी 4-5 वीडियोज़ आएंगी जिसमें स्लीपर बस के हवाले से सारी डिटेल दी जाएंगी। तो आप भी जिस रूट के हवाले से देखना चाहते हैं स्लीपर बस के हवाले से कि भैया मुझे स्लीपर बस का बताएं, तो स्लीपर बस के उस रूट की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह बना के डालेंगे। कमेंट्स में आप हमें बताएं, हम आपको उस वीडियो भी बना के देंगे।